पर बातचीत के लिए श्रीगंगानगर से संवाददाता सुनील सिहाग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सुनील, जब भी कुछ इस तरह का होता है तो श्रीगंगानगर को एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की जरूरत होती है, सुरक्षा व्यवस्थाएं किस तरह की नजर आ रही है श्रीगंगानगर में? जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा सुरक्षा व्यवस्था जो सेना की तरफ से बिल्कुल कड़ी करी गई है। यहाँ पे अलर्ट मूड पे है सेना और बीएसएफ के जवान भी सतर्क है बिल्कुल तरीके से। और अभी जो ग्रामीण है, जो श्रीगंगानगर वासी है, वो सेना को सहयोग करने के लिए, सम्मान देने के लिए जिस तरीके की सेना ने कार्रवाई की थी, पाकिस्तान में घर में घुसकर आतंकवादियों को जिस तरीके से मारा था सेना के जवानों ने, तो उसी को लेकर सेना का हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे मिठाइयाँ और उनको सम्मान देने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हिंदुमल जो बॉर्डर है, जो यहाँ पे 4 से 5 दिन पहले एक फायरिंग भी हुई थी जिसमें किसानों की फायरिंग हुई थी, किसान बाल बाल बचा था, वहाँ पे मौजूद हूँ। और हमारे साथ में कई लोग जो ग्रामीण जो श्रीगंगानगर के शहरवासी वो यहाँ पे आए हुए हैं सेना का सम्मान करने, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी, सेना का सम्मान हो रहा है आज? हम सेना के सम्मान के लिए जो एक दुनिया में अद्भुत तरीके से हमारे देश की वायुसेना ने आतंकवादियों के अड्डे को नेस्तनाबूद किया है, इसी के लिए हमारे नज़दीक पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर जो हमारी फौजें बैठी है उनको सम्मान देने के लिए गंगानगर के लोगों की ओर से मिठाई के वितरण के लिए हम लोग आए हैं। और हम इन्हें भरोसा भी दिलाते हैं कि हम इनके साथ किसी भी परिस्थिति में कंधे से कंधा मिलाकर इनका सहयोग करेंगे। फिलहाल अभी किस तरीके की परिस्थिति है बॉर्डर पर? बॉर्डर पे हमारी तरफ से तो कोई परिस्थिति नहीं, हमारे तो साथियों के चेहरे पर तनाव है नहीं। हिंदुमल कोट लोगों से भी मिले हैं, उनके चेहरे पर भी किसी प्रकार का तनाव नहीं है, खुशी है, एक उत्साह है कि किस प्रकार से हम पाकिस्तान के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, शहरवासियों के मनोबल में कहीं कोई कमी नहीं है, बिल्कुल उत्साह है। और हमारे साथ में कुछ और लोग, महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी जानकारी लेना चाहते हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पे हैं, वो भी सेना का सम्मान करने के लिए आए हैं। जी, किस तरीके से सम्मान करना चाहोगे सेना का? हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे कि हम अपने वीर सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए हम यहाँ बॉर्डर पे आए हैं और उनका हौसला बढ़ाते हैं कि वो अच्छे से अच्छा काम करें, हम उनके साथ हैं। जिस तरीके से भारत पाकिस्तान में अभी तनाव चल रहा है उसको लेकर कहीं कहीं आपके मन से कोई डर, कोई ऐसा कुछ भय? नहीं, हमें कोई डर नहीं है, हम अपनी सेना के साथ हैं, हम उनके साथ, जैसे भी हमें हमारी जरूरत पड़ेगी हम जरूर उनके साथ रहेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पे काफी ज्यादा संख्या महिलाएं भी आई हैं, कई ग्रामवासी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी, आप यहाँ पे रहने वाले हो, इस तरीके के हालात पहले भी हुए हैं तो अभी किस तरीके का माहौल चल रहा है? असि इत्थे रहे हैं जी, जो भी हालत पहले भी हुई है, कारगिल वेले भी उदो असि किधरे नहीं गए, असि इत्थे रहे हैं, फौज ने असि कहा तैयार हैं तुहाडे नाल, कदों मर्जी सानू सदो, असि तैयार बैठे हैं, तैयार करके असि जो सानू हुक्म देंगे अस तुहाडे नाल फौज दे नाल। अभी जैसे 4-5 दिन पहले जो फायरिंग की सूचना आई थी किसान पे फायरिंग होने की, उसके बाद में किस तरीके का हालात है? नहीं नहीं, वधिया जी, वधिया, बीएसएफ खुश है, सारे सब खुश है, अगर कोई भजन की लोड़ नहीं, किधर जाने की लोड़ नहीं गी, तो इत्थे टिके हैं, तो फौज दे नाल हैं, असीं फौज दे नाल पूरा सफर करांगे। अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके भारत पाकिस्तान आमना सामना होता है, अगर गांव खाली करने के लिए आपको बोला जाता है तो फिर इस पोजीशन में आप क्या करोगे? असि इत्थे रहांगे, फौज दे नाल हैं जी, फौज दे नाल हैं, ते लोर तक सानू जाना पे खात्मा करांगे जी सेना दा। यहाँ पे भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, जोर जोर से नारे लग रहे हैं, आप यहाँ पे बिल्कुल सुनील, बिल्कुल एक अच्छी बात ये है कि कहा यह जाता है कि आम जन में किस तरह का डर ना हो, भय ना हो, लेकिन यहाँ पर डर भय का तो नाम नहीं, उल्टा जोश उनमें ज्यादा है। और कहना भी इनका यही है कि अगर एक आवाज लगाई जाएगी तो हम सबके सब बॉर्डर में मौजूद है और सेना के साथ है, अगर गांव खाली करने के लिए भी कहा जाता है तो कम से कम ये कह सकते हैं कि इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। और ये एक अच्छी बात है कि सेना जो भी कहा जाएगा सेना की तरफ से वो इसे किया जाएगा। लेकिन सुरक्षा को देखते हुए सुनील, ये जानना चाहेंगे कि वहां के अधिकारियों को जो वहां की सुरक्षा देख रहे हैं उनसे बातचीत हुई होगी, किस तरह के इंतजाम वहां पर है? क्योंकि सबसे पहले जब अलर्ट हुआ तो सूचना वही दे दी गई थी। भारतीय सेना, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे जैसे सुरक्षा एजेंसियां हैं, बीएसएफ सेना है, बिल्कुल अलर्ट मोड पे हैं, हर आने जाने वाले की चेकिंग हो रही है, किसानों को बोला जा रहा है भी 3 से 4 किलोमीटर के अंदर आप बॉर्डर एरिया के अंदर ना घुसें। और जो रात का समय है, एहतियात के तौर पे रात के समय के अंदर किसानों को, जो ग्रामीणों को बताया जा रहा है कि भी रात को लाइट है, जो ढाणियों में जो लोग रहते हैं, गाँव में जो लोग रहते हैं, 8 बजे के बाद में लाइटें ना जलाएं।
और किसी भी संदिग्ध कोई व्यक्ति देखा जाता है तो उसको तुरंत पुलिस को सूचना दी जाए, बीएसओ को सूचना दी जाए। और सोशल मीडिया पे जिस तरीके से पाकिस्तान नापाक हरकतें करता आ रहा है, अभी दो दिन से लगातार पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की कॉलें आ रही है, खुफिया एजेंसियों की सूचना मांगी जा रही है, जो सेना का मूवमेंट है उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की जा रही है। कल ही जैसे सरपंच को फोन आया था, इस तरीके से मक्का सर सरपंच को फोन आया था, उसके बाद में तुरंत उन्होंने पुलिस को सूचना दी, उसके बाद में खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट हुई और एसपी श्री गंगानगर ने इस तरीके की एडवाइजरी जारी की है, आईजी ने एडवाइजरी जारी की है कि किसी भी तरीके का भ्रामक प्रचार या सोशल मीडिया के ऊपर इस तरीके का ना फैलाया जाए और कोई भी पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की फेक कॉल आती है तो तुरंत एसपी और या संबंधित थाना अधिकारी को सूचित किया जाए। जी बिल्कुल सुनील, चलिए शुक्रिया सुनील आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो श्रीगंगानगर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर ये आम लोग हैं, वहां पर रहने वाले लोग हैं जो बॉर्डर पर मौजूद हैं, वहां पर पहुंचे हैं सेना को हौसले अफजाई के लिए। लेकिन एक बड़ी बात है कि किस तरह का डर खौफ नहीं है, वो ये कहना चाहते हैं कि हमें अगर बोला जाए तो हम खुद भी लड़ने के लिए यहाँ पर तैयार है और कुछ भी नजर आता है तो हम तुरंत ही सूचना सेना को देते हैं, सुरक्षा एजेंसियों को देते हैं। और यही वजह है कि अगर कोई भी ऐसी गतिविधि नजर आती है या किसी तरह का पाकिस्तान से कोई कॉल आया, कल जिस तरह से खबर फर्स्ट इंडिया ने दिखाई थी वो भी इसी तरह से हुआ, और वो भी सिर्फ यही वजह थी कि ग्रामीण सजग है, अलर्ट है और सेना के साथ है।